आज का वरदान समान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। मन को आसपास चलती आवाजों से, व्यक्तियों के कर्मों से, उतराव और चढ़ाव की परिस्थितियों से डिटैच कर ले। पैरों को, हाथों को, देह के सब अंगों को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण ध्यान मस्तक के मध्य चमकते हुए सितारे पर ज्योति बिंदु लाइट हूं मैं। अशांति की दुनिया में भी अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप आत्मा हूं मैं। डायरेक्ट सृष्टि के रचयिता शिव पिता परमात्मा की संतान हूं मैं। मन बुद्धि का कनेक्शन इस लोक से तोड़कर परे ते परे परलोक में रहने वाले अपने परम पिता से जोड़ ले। ये संबंध सत्य है। इस संबंध से प्राप्त सब कुछ सत्य है, शाश्वत है, अखुट है, निस्वार्थ है, निर्मल है। अनुभव करें सुप्रीम लाइट शिव बाबा से निकलते शक्तियों के दिव्य किरणों को ये चमकती हुई रोशनी मेरे भीतर गहरी समाती जा रही है। देह भान से अलग हो मैं जब भी अपने स्वस्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन कर लेते हो तो खुद
ज्ञान सूर्य के लाइट, मुझे मास्टर ज्ञान सूर्य बना देती है, जिसे परमात्मा सर्व शक्तियों के ज्ञान की मैं प्रत्यक्ष मूर्त बन जाती हूं। अनुभव करें, अपने लाइट माइट स्वरूप को साक्षी दृष्टा होकर लाइट हाउस की तरह समस्त सृष्टि को देखें, और अपनी तेजोमय स्थिति से चारों ओर संपूर्ण देह, वायुमंडल, प्रकृति के पंच तत्वों में सर्वात्माओं में ये रूहानी लाइट बिखेरते जाए। फील करें इस मास्टर ज्ञान सूर्य लाइट हाउस स्थिति को परमात्म संग किए सुनहरी घड़ियां, ये हीरे तुल्य समय और खुद भगवान का हाथ मुझे भिन्न भिन्न स्वमानों से सुसज्जित कर रहा है। महसूस करें जिसे बाप दादा स्वमानों का हार मुझे पहना रहे हैं। मैं कभी मास्टर शांति का सागर बन जाती हूँ। अपने शीतल वाइब्रेशन से आत्माओं की तपत बुझाती हो तो कभी मास्टर प्यार का सागर बन परमात्म प्यार को गहरे समा लेती हो और प्रेम की प्यासी आत्माओं को सच्चे ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कराते हो। कभी रूहें गुलाब बना सर्वात्माओं को सुप्रीम रूह से मिलाते हो तो कभी फरिश्ता बन डबल लाइट स्थिति से रूहानी सेवा करते हो। महसूस करें मैं जितना प्रतिदिन इन स्वमानों के स्वरूप में स्वयं को समाये रखते हो उतना मैं देह भान से
विकारों के अंधकार से, स्वतः ही परे होती जाती हो, बिन मेहनत के, सेकंड में देही अभिमानी, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूरत बनती जाती हो। महसूस करें इस अजर, अमर, अविनाशी, तेजोमय, दिव्य स्वरूप को।